तमाम दावे होते हैं कि गांव विकास के पथ पर हैं। 126 शौचालय तो बन चुके हैं, लेकिन अमरोहा जिले का पीपली घोसी गांव ऐसा है जहां पर आज भी मूलभूत सुविधाएं चाहिए, ये गांव वाले भी कहते हैं और गांव के प्रधान भी। यहां पर सबसे पहले तो स्वास्थ्य केंद्र की व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि स्वास्थ्य और शिक्षा दो ऐसे मामले हैं जिनके बिना कोई भी गाँव अधूरा है। यदि गाँव के अंदर स्वास्थ्य सेवाएं नहीं है तो वहाँ के लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। साथ ही साथ इस गांव में पंचायत घर की भी कोई व्यवस्था नहीं है। गांव की अपनी सरकार कहां बैठकर अपने फैसले करे और विकास कार्यों की बात करे, उस चीज के लिए भी इस गांव में कोई जगह नहीं है। ग्राम प्रधान का कहना है कि अभी उनको अपने गांव में कुछ लोगों के लिए 10 कम से कम 10 आवास भी चाहिए, ताकि लोग अपने सर पर छत ला सकें। इसके अलावा पानी निकासी की अगर बात की जाए तो वो भी व्यवस्था यहाँ पर ठीक नहीं है। इसके साथ साथ कोई भी परिसंपत्ति न होने के कारण गांव की आमदनी प्रभावित हो रही है। 2600 की जनसंख्या वाला ये गांव, जिसमें 1300 वोटर हैं और 236 राशन कार्ड धारक। वृद्धा पेंशन जिन लोगों को मिलनी चाहिए और नहीं मिल रही है, उनकी संख्या भी 100 है। इसके साथ साथ अगर प्रधान की बात करें तो उन्होंने अपनी निधि के जरिए गांव में सड़क, खड़ंजे, इंटरलॉकिंग सड़कें आदि का निर्माण कराया है, लेकिन जो काम केंद्र और राज्य की सरकार कर सकते हैं वो काम यहाँ पर रुके हुए हैं। कम से कम यहाँ पंचायत घर की व्यवस्था हो जाए तो यहाँ की जो गांव की सरकार है वो अपने फैसले एक जगह पर बैठकर कर सकती है। बहरहाल गांव के प्रधान अपने गांव के विकास में लगे हुए हैं, लेकिन सुविधाएं सरकार से ना मिलने की वजह से विकास कार्य प्रभावित हो रहे हैं। प्रधानपति पीपली घोसी से महिपाल सिंह बोल रहा हूँ, और तहसील नौगावा सादात, थाना नौगावा सादात, जिला अमरोहा, ब्लॉक अमरोहा। इस गांव में कोई स्वास्थ्य केंद्र नहीं है, नालियों की बहुत परेशानी है, नाला नहीं है, पानी की कोई निकासी नहीं है गांव के अंदर किसी भी सूरत से। जो डैर हैं वो सब हट लिए गए हैं, ना कोई नरेगा चलेगी, डैर हट लिए तो गांव के अंदर इतनी परेशानी है, ना कोई खंजे हैं, ना कुछ है, ना टंकी है पानी की, हैंडपम्प है उनकी, ना कोई सुनवाई है।